दिवाली आने से पहले ही दिल्ली एनसीआर की आबो हवा बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को रोकने के लिए 1 नवंबर से दिल्ली एनसीआर में नया एक्शन प्लान ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन लागू हो जाएगा। बढ़ते प्रदूषण ने दिल्ली एनसीआर के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है और दिवाली आने से पहले ही दिल्ली की आबो हवा बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। बुधवार को दिल्ली के लोधी रोड एरिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है। यहां PM2.5 262 और PM10 283 पर पहुँच गया है, जो कि वेरी पुअर कैटेगरी है। लोधी रोड के अलावा दिल्ली के कई इलाकों में भी हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। CPCB ने चेतावनी दी है कि दिवाली तक स्थिति और ज़्यादा बिगड़ सकती है। दिल्ली NCR में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को रोकने के लिए 1 नवंबर से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू हो जाएगा। प्लान लागू होने के बाद 10 नवंबर तक सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों पर रोक रहेगी। स्टोन क्रशर और हॉट मिक्स प्लांट भी नहीं चलेंगे, साथ ही कोयले और बायोमास से चलने वाली फैक्ट्रियों को भी बंद रखा जाएगा। अगर इसके बाद भी एयर क्वालिटी में सुधार नहीं हुआ तो निजी गाड़ियों पर भी रोक लग सकती है। इसके अलावा दिल्ली में लोगों से मोमबत्ती और अगरबत्ती जलाने से बचने की एडवाइजरी जारी की गई है। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री पर रोक लगाते हुए जब्त करने का आदेश दिया।